हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा विवेक और आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो पे। और ये एक व्लॉग नहीं होने वाला है, ये मैं आपको GIT कॉलेज का एक इनडेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ। कैसा ये कॉलेज है, आपको प्लेसमेंट कैसा मिलने वाला है, आपके एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, यहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, तो ये सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम में DM करके पूछते रहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जिसमें कि सबका जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाए। और जो भी मैंने ये डाटा कलेक्ट किया, खुद सीनियर से कलेक्ट किया और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी, क्योंकि मैं अभी सेकंड ईयर में जाने ही वाला हूँ, तो जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो सब आप लेजिट मान सकते हैं। और ये बेस्ट रिव्यू नहीं होने वाला है, ये मैं खुद से आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपको अगर कुछ भी इस वीडियो में खराब लगे तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। GIET यूनिवर्सिटी गुनपुर एस्टेब्लिश्ड इन 1997 और इसे 25 साल होने वाले हैं इन 2022। और इसका कैंपस 113 एकर्स में फैला हुआ है, यहाँ तक कि इसे NIRF 2022 के रैंक बैंड 251 से लेकर 300 का पोजीशन मिला हुआ है। और अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन बहुत ज़्यादा सुंदर है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, आपको सारे सामान मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो। और पहाड़ों से घिरा हुआ है ये टाउन और बहुत ज़्यादा सुंदर है, बारिश के मौसम में तो और भी सुंदर दिखता है। और आपको अगर पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि कॉलेज में हर जगह पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और अगर हम UG कोर्सेज के बारे में बात करें तो यहाँ आपको BTech, BSc इन एग्रीकल्चर, BBA और BCA मिलेगा। और अगर हम PG कोर्सेज के बारे में बात करें तो यहाँ आपको MTech, MBA, MCA, MSc, MA मिलेगा। और आपको BTech के अंदर 13 अलग अलग ब्रांचेस मिल जाएंगे, आपके सामने एक लिस्ट आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस PDF को ओपन कीजिए और आपको अच्छे से जानना है तो PDF में देख सकते हैं। और अगर हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो आपको 12th में मिनिमम 60% आना चाहिए, और अगर आपने JEE या फिर OJEE दिया है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं दिया तो आप GIT का खुद का कंडक्ट किया हुआ एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसे दे के आप एग्ज़ाम में पास होकर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो भी डिटेल्स है आपको ये लिस्ट जो भी आ रहा होगा स्क्रीन में अभी उसमें मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर GIT का वेबसाइट में आप खुद जाके वो सारा चीज़ पता लगा सकते हैं। अब अगर हॉस्टल के बारे में बात करें जहाँ पे आप सभी रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको 13 बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएंगे और 6 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएंगे। और जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल सारे के सारे टाउन्स में है। और हर हॉस्टल में आपको वाईफाई का एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कूलर या फिर इंडक्शन ये सब नहीं ला सकते, यहाँ सब चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगा है। और अगर हम कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए 7 PM तक अलाउ है, आपको 7 PM तक अपने हॉस्टल के अंदर आ जाना है। बॉयज़ के लिए तो कैंपस के अंदर आना है, लेकिन गर्ल्स के लिए हॉस्टल तक उनको 7 PM तक पहुंच जाना होता है। तो अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल और 6 जनों के लिए रूम मिल जाएगा। और अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। अगर गर्ल्स को कहीं भी बाहर जाना होता है, आउटिंग के लिए जाना होता है, तो उन्हें बहुत सारा परमिशंस लेने पड़ते हैं। और अगर हम रैगिंग की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होता, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में कहीं भी रैगिंग नहीं होता। यहाँ पर आपको एंटी रैगिंग स्क्वाड मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डिसिप्लिन कमेटी भी है, और ये सब रैगिंग के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी में आपको 24/7 वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगा और AC फैसिलिटी भी मिल जाएगा। और आप कुछ भी आराम से बुक बोरो कर सकते हैं, आप अपने हॉस्टल ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और लड़की लोग के लिए आपका टाइमिंग जो रहता है वो सुबह से लेकर रात का 8 बजे तक रहता है, और बॉयज़ के लिए कभी भी रहता है, कभी भी आप आके पढ़ सकते हैं, रात को 2-3 बजे भी आके पढ़ सकते हैं। और अब अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमारे पास एक ही है, हमारे यहाँ एक ही मैथ्स है जिसको हम सेंट्रल मैथ्स कहते हैं, और हम एक साथ बैठ के 800 लोग आराम से खा लेते हैं वहाँ पर। और वीकली हमें 3 दिन, मतलब 3 बार दिया जाता है हमें नॉनवेज, जैसे कि चिकन मिलता है, फिश मिलता है, एग मिलता है, और हमें वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिलता है, हम दोबारा उसे ले नहीं सकते। लेकिन अगर आप भेज ले रहे हैं तो आपको जितना चाहे उतना आप आराम से ले सकते हैं। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का वहाँ पे खुद का मैस है, तो उनका वहाँ पे खुद का खाना बन जाता है। और ये तो जानते रहो कि हॉस्टल का खाना उतना तो अच्छा होता नहीं जितना घर का होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँ तो ठीक ही होता है, यहाँ का खाना उतना भी ख़राब नहीं होता, आप आराम से खा सकते हैं। और अगर हम पेड कैंटीन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड कैंटीन्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कूल पार्लर भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप पेटीज़, बर्गर, सैंडविच, बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपके क्लास के बीच में आपको ब्रेक मिला है या फिर क्लास ख़त्म हो चुका, तो आप अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ पे चिल कर सकते हैं, यहाँ बैठने का जगह भी बहुत अच्छा है, तो पेड कैंटीन्स बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगर हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के बारे में करें तो यहाँ पे आपको 2 जिम मिल जाता है, एक जिम तो नॉर्मल है और दूसरा जो जिम है वो है ओपन जिम, जो बाहर में आपको फील्ड में वहाँ पे मिल जाता है। अब जो जिम है वो बस बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए जिम नहीं है। और यहाँ पे जिम जो है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें आपको सारे जो भी बेसिक रहता है इक्विपमेंट्स वो सब आपको मिल जाएंगे, और आपको पर डे का 5 रुपीज़ देना पड़ता है। और अगर हम स्विमिंग पूल की बात करें तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जिसका टाइमिंग सबका अलग अलग ही होता है, मतलब गर्ल्स का भी अलग होता है, बॉयज़ का अलग टाइमिंग होता है। और इसमें भी आपको पर डे का, मतलब जितना भी आप जा रहे हैं, तो एक बार में आपको 5 रुपये लगने वाला है, जो कि आपको सेम एंड में देना होता है।
और अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। इन बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन जो होता रहता है, और यहाँ पे आपको कोर्ट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 बैडमिंटन कोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक बास्केटबॉल फील्ड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वॉलीबॉल के लिए भी मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रैक भी मिल जाता है, क्रिकेट के लिए भी मिल जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पे ऑनलाइन गेम जैसे कि पबजी या फिर CS:GO का भी कंपटीशन होता रहता है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके और अपने दोस्तों के साथ चिल करना चाहते हो तो आप हैंगआउट्स में जा सकते हो। बाहर में बहुत सारे जगह है, जैसे कि हमारे कैंपस के बाहर में सबसे पास में आता है सेफाली माउंटेन्स, जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जगन्नाथ टेम्पल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे बहुत सारे 10 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हो। और अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है तो यहाँ पे बहुत सारे अभी नए नए मॉल्स खुल चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रेंड्स मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे हैं। तो अगर आपको शॉपिंग करना है या फिर आपको कुछ भी अपना सामान खरीदना है तो आपको यहाँ पे आराम से इजीली मिल जाएंगे। अब देखो, आप आउटिंग के लिए जा रहे हो बाहर तो आपको कुछ तो चाहिए ना कि कैसे जाओगे। तो यहाँ आपको हमारे ही कैंपस के अंदर आपको बहुत सारे बस मिल जाएंगे जिसमें आप आराम से बैठ के जा सकते हैं, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं। आप नॉर्मली बस में बैठिए और आप जहाँ भी जाना चाहते हो, जो भी स्टॉप आएगा वहाँ पर आप उतर जाइए, और आते टाइम भी वहाँ पर बस आते रहता है जाते रहता है, तो वहाँ से आप बैठ के वापस आ सकते हैं। और अगर हम ऑडिटोरियम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 ऑडिटोरियम्स मिल जाते हैं, और उनमें से एक है मेगा ऑडिटोरियम, जो कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है हमारा यहाँ का। और वहाँ पे हमें मूवीज़ दिखाया जाता है हर वीकेंड में, जो भी लेटेस्ट रिलीज़ होता है वो सब दिखाया जाता है। और वहाँ का जो कैपेसिटी है वो है 800 प्लस ही है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पे 7.1 डॉल्बी एटमॉस भी लगा हुआ है, तो मूवी का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो फंक्शन भी छोटा मोटा होता है वो सब वहीं पर होता है। और अगर हम सोसाइटीज़ एंड क्लब्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 क्लब्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टेस्ला एंड SAE क्लब्स मिल जाएंगे आपको, NCC क्लब मिल जाएंगे आपको, GDSC क्लब्स मिल जाएंगे, कोडिंग का है, फोटोशॉप का है, डांसिंग का है, सिंगिंग का है, ड्रामेटिक का है, ऐसे बहुत सारे आपको क्लब्स मिल जाएंगे। और सीनियर्स हमारा हेल्प करते हैं ये सब में, मतलब सीनियर्स ही हेड रहते हैं ये सब क्लब के, और हम जाते हैं और उसमें हेल्प करते हैं उनका। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होता है फेस्ट में यही सब क्लब्स रिलेटेड, और अगर आप अच्छा करेंगे तो आप यहाँ के हेड भी बन सकते हैं। अब अगर बात फेस्ट पे हुई है तो हम फेस्ट पे जम करते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 तरह का फेस्ट होता है, एक होता है कल्चरल फेस्ट और दूसरा होता है टेक्नो फेस्ट। दोनों का अलग अलग टाइमिंग होता है, एक सेमेस्टर में होता है, दूसरा सेमेस्टर में होता है हमारा। अब अगर कल्चरल फेस्ट की बात करें तो कल्चरल फेस्ट में हमारा मेनली हम डिपेंड करते हैं मतलब एंटरटेनमेंट में, मतलब अगर डांसिंग है डांसिंग कॉम्पिटिशन होता है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है, यही सब हमारे कल्चरल फेस्ट में ज़्यादा हम देखते हैं। और जो टेक्नो फेस्ट होता है उसमें हम ज़्यादा स्किल्स देखते हैं, या फिर कॉम्पिटिशन जो भी होता है, रोबोटिक्स का कॉम्पिटिशन होता है या फिर टेक्निकल कॉम्पिटिशन होता है, हम वो सब ज़्यादा चीज़ टेक्नो फेस्ट में देखते हैं। यहाँ तक कि हम कल्चरल फेस्ट में सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाते हैं। और अगर आपको कल्चरल फेस्ट के बारे में और थोड़ा जानना है कि कैसा हुआ था तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। पिछला वाला ब्लॉग मैंने कल्चरल फेस्ट के ऊपर ही बनाया था, आपको यहाँ पे आई बटन मिल रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके कल्चरल फेस्ट भी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कैसा हुआ था। और टेक्निकल फेस्ट आएगा तो मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊंगा, तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। और अगर हम फाइन रिलेटेड कुछ बोले तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ फाइन नहीं है, लेकिन अगर आप मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब एक रेंज के बाहर चले जाते हैं मस्ती, तो आपको DC कमेटी को एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप रेंज के बाहर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सजा होने वाला है। ये सब तो मैंने बता दिया कि कॉलेज लाइफ में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, लेकिन अब जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है प्लेसमेंट के लिए। अब आपको जानना होगा कि प्लेसमेंट आखिर यहाँ पे होता कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है। तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी प्लेसमेंट का जो भी होता है वो करवाते हैं TNP सेल्स। अभी TNP सेल्स सारा PPT क्लासेस करवाते हैं। PPT क्लासेस वो होता है जो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग क्लासेस होता है। अब इनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि अगर आप उनका क्लासेस 90% अटेंडेंस से ज़्यादा रहे तो आपको गारंटी प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो TNP सेल्स होता है वो क्लासेस करवाता है प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग क्लासेस, और उन क्लासेस में आपको स्किल डेवलपमेंट, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये सब सिखाया जाता है। उसमें ही वो वैल्यू एडेड कोर्सेज भी देते हैं जिससे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जब प्लेसमेंट में बैठेंगे तो आप उसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब मैंने आपको TNP सेल के बारे में सब चीज़ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कंपनीज़ आते हैं। यहाँ पे कंपनीज़ आते हैं जैसे कि बायजू, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, ऐसा बहुत सारे कंपनीज़ आते हैं। 150 प्लस कंपनीज़ आते हैं जो कि CMM5 लेवल के होते हैं। और ये सारे जो भी मैं डाटा बता रहा हूँ ना, ये सारे मैंने खुद सीनियर से जाके पूछा है, तो ऐसा मत सोचना कि ये वेबसाइट से मैंने देख के बोला है कहीं से, ये सारे मैंने खुद सीनियर से पूछा है और उसके बाद मैं सब चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब मैंने आपको TNP सेल और जो भी कंपनीज़ के नाम है वो सब बता चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा प्लेसमेंट का पैकेजेस कितना गया है। अब जो हमारा हाईएस्ट पैकेज गया है वो है 26 LPA इस साल कॉम्बो में, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 19 LPA, और जो एवरेज जाता है वो है 4-5 LPA। अब अगर हम 5 साल का ट्रेंड देखें या फिर ग्राफ देखें तो हमें ये पता चलता है कि हर साल कैंपस से 95% प्लस
प्लेसमेंट हो जाता है। अब देखो, मैंने इतना सारा चीज़ आपको बता दिया है कॉलेज रिलेटेड, जो भी है अभी भी आपको कुछ अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल जो भी रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, आप जाके मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं। और हर जगह मुझसे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी वीडियोज़ आ रहा होगा यहाँ पर, देख लेना, वो सब वीडियो भी देख लेना, कॉलेज रिलेटेड ही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड नहीं किया था वीडियो ये वाला, और ये जो वीडियो था ना, ये मैंने बहुत पहले से प्लान करके रखा था कि इसे अपलोड करना है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते मैंने इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। और नॉर्मली जैसा हमारा व्लॉग्स आता है ना, वैसे ही हमारा व्लॉग्स अभी फिर से आएगा, ठीक है, ऐसा वीडियो और नहीं आएगा, बस यही था एक, उसके बाद से हम नॉर्मली अपना व्लॉग्स पाएंगे। जल्दी नया व्लॉग भी आ रहा है, ठीक है, चल रहा है उस पर काम, और सेमेस्टर आने वाला, तो सेमेस्टर के बाद सोच रहा हूँ अपलोड करूँ उसे। तो